गाइस, क्या आपका बेली फैट भी बहुत ज्यादा है? आपकी पूरी बॉडी टोन्ड है लेकिन आपका पेट अलग सा ही निकला हुआ है? लोअर और अपर टमी को छुपाने के लिए आप ढीले कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं या फिर हमेशा कोई दुपट्टा या कुछ ऐसी चीज कैरी करते हैं जिससे कि आपका पेट फ्लॉन्ट ना करे? तो आज मेरा इस वीडियो देखने के बाद आपको ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपके टमी को टोन्ड करेगा। क्योंकि अगर आप बहुत तरह के डाइट प्लान भी करके थक चुके हैं, हर चीज नुस्खा आजमा के थक चुके हैं, तो प्लीज एक बार इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए और फॉलो जरूर करिए, बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने होंगे। और हाँ, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि कब तक ये मिलेगा रिजल्ट, तो सब कुछ मेरे पास उसका आंसर नहीं, सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे उतना ही जल्दी रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी कि आप सुबह उठते ही कम से कम 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पिएं, जिससे आपकी बॉडी अंदर से क्लींस होती है। और जो डिनर का टाइमिंग है वो 7 से 8 के बीच में रखें, इससे ऊपर डिनर ना करें। अगर आप 7 से 8 के बीच में डिनर करते हैं और नेक्स्ट डे अगर 8 बजे तक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस होगा, आपको खाना पचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे बाद में डिनर करने पर हमारा खाना हमारे शरीर में सड़ना शुरू हो जाता है, जो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपका बेली सबसे पहले टारगेट होता है, उस एरिया पे बहुत जल्दी फैट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। इसके लिए आपको सीधा लेट जाना है मैट पर। मैट का इस्तेमाल जरूर करिए किसी दरी का, ताकि आपको जमीन छुपे नहीं और आप थोड़ा कंफर्टेबल भी रहें। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लीजिए। आपको अपने हाथों को पीछे लेके जाना है, देन इस तरीके से आपको आधी बॉडी बेंड करनी है, ठीक है? देन फिर बैक, आपका पैर भी बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ऐसा आपको 10 टाइम्स करना है और 10 के आपको करने हैं 5 सेट, यानी 50 बार आपको लेफ्ट साइड, 50 टाइम्स ही आपको राइट साइड करना है, 100 टाइम्स आपको उसको टोटल करना है। अब नेक्स्ट साइड, अदर साइड पे हमें सेम करना है। रिलैक्स हो जाइए। अब करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसके लिए आपको अपने फीट को पूरा ऊपर उठाना है और अपनी बॉडी को आगे लिफ्ट करना है, ठीक है? ये आपके लोअर टमी और अपर टमी को बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगी। इस तरीके से आपने टो टच करने हैं अपने। करना है मेरे 10 टाइम्स, आपको करने हैं 10 के 5 सेट, यानी आपको इसको 50 बार रिपीट करना ही करना है, ठीक है? ये आपका मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना ज्यादा लेके जा सके। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसके लिए हमें क्रॉस में अपने आप को लेकर जाना है, जैसे आप हैंड लेके जाएंगे तो ऐसे एंड अदर साइड पे, ठीक है? आपको कम से कम इसको 100 टाइम्स करना है, मैं आपको 10 टाइम्स करके दिखाऊंगी, तो आपको इसको मिनिमम 100 बार करना ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह से पोजीशन ले लीजिए, अपने हैंड्स को यहाँ मैट पे रखिए, ठीक है? और आपको माउंटेन क्लाइंबर करना है, आपको ट्विस्ट जाना है, स्ट्रेट नहीं जाना, लेग्स को साइड पे लेके जाना है। तो ये आपके साइड जो टमी एरिया है उससे आपके लव हैंडल्स को भी टारगेट करेगा और वहां का फैट भी रिड्यूस करेगा। इसको आपको करना है 100 टाइम्स, 100 बार, ठीक है? मैं आपको 10 टाइम्स करके दिखा रही हूँ, आपने करना है इसको कम से कम 100 बार। आपको उसको
कम से कम 100 times करना है। मैंने यहाँ पे 10 times आपको करके दिखाया, लेकिन आपको 100 बार से पहले स्टॉप नहीं होना। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इतनी बार इसको रिपीट करना ही होगा। अब बारी आती है हमारी लास्ट एक्सरसाइज की, जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके टमी को टोन अप करने के लिए, जिसके लिए आपको इस तरीके से अपने पैरों को प्लेस करके अपने हिप्स को साइड में लेके जाना है। आपको इसको करना है कम से कम 100 बार। सारी एक्सरसाइज को मैं 100 times बोल रही हूँ, तभी आपका टमी कम होगा। मैंने यहाँ पे इसको किया है 10 times, आपको करना है इसको 100 times, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आप इसको डेली फॉलो करिए। आपके ऊपर क्या इसका रिजल्ट रहा हम उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मैं आपके लिए हमेशा कुछ नया और बेहतरीन लेकर आऊंगी। और अगर आपको वीडियो इतना ही पसंद आ रहा है, इतना ही इफेक्टिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।